रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस जंग में यूक्रेन में हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। रूसी मिसाइल लगातार यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटी है। और अब इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा है कि उन्हें 100% विश्वास है कि उनकी सेना पेंटागन की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर देगी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन भेजने का वादा किया है। पुतिन ने ये बात रूसी टेलीविजन पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने पैट्रियट मिसाइल बैटरी का जिक्र करते हुए कहा कि निश्चित रूप से हमें इसे 100% नष्ट कर देंगे। यूक्रेन के साथ जंग का एक साल पूरा होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को ऐलान किया था कि वो जल्द युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका के दौरे के बाद पुतिन ने मीडिया से बात की थी। जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा है कि संघर्ष को खत्म करना हमारा मुख्य मकसद है, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अमेरिका ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि वो यूक्रेन को 15,000 करोड़ रुपए की मदद देगा। साथ ही अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देने की घोषणा कर दी थी। इस पर पुतिन ने कहा था कि इससे युद्ध पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, रूस इससे निपटने का रास्ता अच्छे से जानता है। जो भी यूक्रेन को इस तरह की मदद पहुंचा रहे हैं वो इस संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, रूस पहले क्लियर कर चुका है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन और इसके साथियों ने पीछे हटने की वजह से टालमटोल करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि युद्ध 10 महीने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस कहता है कि यूक्रेन बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता है, वहीं यूक्रेन कहता है कि पहले रूस हमले बंद करे और उसकी सीमा पर कब्जा छोड़े, तब बातचीत की जाएगी। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।